प्रेगनेंसी या गर्भवती या जब महिला माँ बनने वाली होती हो, ऐसा फेज़ लाइफ का जो सबके लिए काफ़ी ही आनंदमय होता है, और उस टाइम कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी हैं ध्यान रखने वाली, डॉक्टर्स वाली बातें तो यार मैं नहीं बता पाऊँगी, या पता होती भी हैं लेकिन शायद बड़े लोगों को ज़्यादा अनुभव होता है, वो ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएँ, बट मैं सिर्फ कुछ मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग या जो आपकी मन की भावना है उसके अकॉर्डिंग बातें शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, जो हम यूजुअली डे टू डे लाइफ में शेयर करते हैं। सपोज़ आपके घर में कोई भी जो नए जीवन को जन्म देने वाली हैं उनका ध्यान रखना हम सबका कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी कभी भी बोझ नहीं हो सकती अगर वाकई में आप एक जिम्मेदार इंसान हैं। उसी तरह जो होने वाली माँ है, चाहे वो पहली बार बन रही हो या दूसरी बार, उनकी भी एक जिम्मेदारी बन जाती है खुशी के साथ साथ, खुशी के एहसास के साथ साथ, कि जो नया जीवन इस दुनिया में आने वाला है उसको एक अच्छा नागरिक बनाना, एक सही नागरिक बनाना, और सबसे बड़ी बात इंसान बनाना। क्योंकि आजकल के टाइम में मुझे जो लगता है ना, हर एक को देख कर और हम शिक्षक को विद्यार्थियों को देख कर, सबसे मुश्किल काम है इंसान बनना। नो डाउट मैं भी इंसान बनने की प्रक्रिया पर हूँ, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं पूरी तरह से इंसान हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं। खैर ये वाली बात बाद में करेंगे। एक प्रेग्नेंट लेडी को सबसे जो मुझे पर्सनली फील होता है कि गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए, भले ही आप उसका एक श्लोक पढ़ें, एक लाइन पढ़ें, कृष्णा जी को याद करें, और गीता पढ़कर आप, मैंने आपको जैसे पहले भी शेयर किया था, पांचवी बार दसवीं बार में आपको समझ ज़रूर आ जाएगा। दूसरी बात, हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि अभिमन्यु और जो अर्जुन के जो पुत्र थे उनकी जो कहानी वो किसी से नहीं छुपी हुई है। चक्रव्यूह भेदने का जो उन्होंने सीखा था वो घर में ही सीखा था, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। नहीं भी होता तो हमारे शास्त्र में ऑलरेडी विज्ञान की जो सारी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे सामने आई रही हैं। तो आप जो भी पढ़ेंगे, आप जो भी समझेंगे, आप जो भी करेंगे, आप जो भी रील्स देखेंगे, जो भी वीडियोस देखेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, कहीं ना कहीं वो सारे मैसेजेस आपके नर्व इम्पल्स कंडक्शन के थ्रू, आपके न्यूरॉन्स के थ्रू आपके बच्चे में जा रहे हैं। क्योंकि आपका ब्रेन, उनका ब्रेन अलग अलग नहीं है। जो भी आप, क्योंकि देखिए प्लेसेंटा के थ्रू जो एक कॉर्ड होती है, सारा खाने से लेकर ऑक्सीजन सब कुछ माँ के द्वारा शिशु में जाता है। तो उसी तरह जो विचार भी हैं, अगर शुद्ध विचार हैं तो शुद्ध विचार ही बच्चे में बनने वाले हैं जब वो इस दुनिया में आएगा, और अगर बुरे विचार हैं, संकीर्ण विचार हैं, तो उस बच्चे में भी संकीर्ण विचार ही जाने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विचारों की शुद्धता, आपके कर्म। आप अपने अच्छे कर्मों से उठिए, सुबह सुबह ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर जो नया जीवन पल रहा है, एक तरह से आप ईश्वर का स्वरूप होते हैं। पुराने वक्त में गर्भवती महिलाओं को पूजा जाता था, अगर वो सामने से गुजरती थी तो साइड में हो जाते थे और उनको प्रणाम किया जाता था। आजकल के टाइम में मुझे नहीं पता, बट जब से मैंने ये पढ़ा तब से मैं तो ऐसा करना शुरू हो गई हूँ। क्योंकि देखिए, कोई नया जीवन इस पृथ्वी पर लेके आ रहा है, अगर नया जीवन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन प्रोसेस ही नहीं होगा, तो उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ की प्रजाति की एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो कहीं ना कहीं हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। खैर इसको और भी तरह से जोड़ दिया गया है, वो एक अलग बात है, उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। पर सबसे बड़ी बात यह है, और अगर आपके आसपास कोई भी नेगेटिव लोग हों, आपके घर के ही लोग क्यों ना हो, उनसे भी दूरी बना लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नया जीवन हो वो आपकी ज़िम्मेदारी हो, और आपकी ज़िम्मेदारी से जब वो इस धरती पर आए, तो अब ठीक है स्वामी विवेकानंद जी बनना तो सबके बस की बात नहीं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम इंसान बन पाएं। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।